सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे जो भी निश्चित तौर पर मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य बन जाएंगे, मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाकर उन सभी लोगों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। चीन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, दुनिया कैसे देख रही है, चीन की जो क्या कहेंगे मानवता विरोधी, शर्मनाक, खतरनाक, क्रूर, निर्दयी, तानाशाही जो हरकतें हैं, उन सब के बारे में दुनिया कैसे अब देख रही है, अब कैसे दुनिया जागी है, बहुत देर में जागी है, चौंक के जागी है, लेकिन अब जो जाग गई है तो कैसे वो देख रही है, उन सब के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। चीन के शिंजियांग प्रांत में जो एक अल्बानिया और कनाडा के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो वहां से जाने के बाद शिंजियांग के जो इसको री एजुकेशन कैंप कहते हैं वहां की कहानी बताई थी, वो मैंने आपको विस्तार से बताया। लेकिन अब चीन और खतरनाक रास्ते पर चला गया है और जो रिपोर्ट आ रही है वो अब उइगर मुसलमानों को धीरे धीरे खत्म करने की एक नई योजना बना रहा है। योजना क्या बना रहा है, काम शुरू कर दिया। अभी तक क्या था कि वो उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था, कुरान नहीं पढ़ने दे रहा था, इस्लामिक कल्चर से दूर कर रहा था, जो उनको तुर्की का जो जहां के मूल हैं वो उनसे दूर कर रहा था, जो शिंजियांग प्रांत जिसको पूर्वी तुर्किस्तान जो मूल रूप से है, वहां जो भारतीय सभ्यता है, तुर्की की सभ्यता है, इस्लामी सभ्यता है, उस सब को वो खत्म कर रहा था। और इसके लिए वो 10 से 15 लाख उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन सेंटर में बंद किए हुए, कैदी हैं वो सब वहां। लेकिन उसको लगा कि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और अभी वो मानेंगे नहीं, जनसंख्या नियंत्रण भी वहां बहुत मुश्किल हो रहा था, हालांकि पहले से ही चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन अब उसके आगे चला गया है मामला। अब वो चाहता है कि उइगर मुसलमान महिलाओं के बच्चा ही नहीं हो, यानी उनकी जनसंख्या पर रोक लगाने की एक कहें कि खतरनाक योजना पर उसने काम शुरू कर दिया है। महिलाओं को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, उइगर मुसलमान महिलाओं को, और उनको ले जाकर ऑपरेट करके नसबंदी की जा रही है। और ये वीडियो आया है, एक ऑस्ट्रेलियाई वीडियो आया है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जारी किया है और उसको ऑथेंटिकेट भी किया गया है कि उइगर मुसलमान महिलाओं को आंख पर पट्टी बांध के ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो एक जगह से मतलब जहां वो उनको रखा गया था और दूसरी जगह मतलब जहां उनको ऑपरेशन करके नसबंदी की जा रही है। और ये वीडियो आने के बाद दुनिया भर से रिएक्शन आ रहे हैं, बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर क्यों नहीं दखल दे रहा है, सारे देश दबाव बना रहे हैं। और ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, उन्होंने तो कहा है कि ये जो उइगर मुसलमानों की जबरदस्ती नसबंदी की जा रही है, उनके साथ जो ये अमानवीय बर्ताव हो रहा है, जो ये अत्याचार हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम अपने जो साथी देश हैं, सहयोगी देश हैं, उनके साथ मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो ये भी करें कि देखिए हम चीन के साथ रिश्ते बेहतर चाहते हैं, एक देश के तौर पर चीन के साथ हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप शिंजियांग प्रांत में ऐसे उइगर मुसलमानों के साथ कहें। और चीन की बेशर्मी देखिए, मतलब चीन किस तरह से कितना बेशर्म हो गई है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो चीन के अंबेसडर हैं, दूत हैं, जो दूतावास में वहां है ब्रिटेन में, वो कह रहे हैं, जो लियो शाओमिंग, वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो जातीय समूहों का एक कानून है चीन में, और उन जातीय समूह के कानूनों के तहत इन उइगर मुसलमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ये कितना साफ कर देता है चीन के क्रूर, निर्दयी, तानाशाह चेहरे को, कितना साफ साफ डरावना चेहरा उसको लाके दुनिया के सामने दिखाता है कि दूत कह रहा है, चीन का अंबेसडर कह रहा है कि जातीय समूहों के कानूनों के तहत कार्रवाई हो रही है, यानी जो जातीय समूह है उनको, उनकी महिलाओं को आंख पर पट्टी बांध के
एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से ले जाया जा सकता है। इसको चीन कानूनी तौर पर मान्यता दे रहा है। यह कितना खतरनाक है। और इस तरह की ढेर सारी चीजें, मतलब चीन क्या है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन जैसी जो पुरानी सभ्यता थी, जिसको जो 1949 में जिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां राष्ट्रवादियों को एक तरह से कहें कि कत्लेआम मचाकर और अंत में वो ताइवान भागना पड़ा उनको, वरना पहले राष्ट्रवादियों का ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो उन्हीं का था, लेकिन अब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है उसको मान्यता तक नहीं मिल रही। और 1949 में जो उन्होंने किया, अब 2049 तक पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। और उसके लिए कोई भी तरीका, कुछ भी ये अपनाने को तैयार है। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो शिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान है, जिसको ये जातीय समूह कह रहे हैं, जिसको री एजुकेशन सेंटर में डाला, कहा कुरान तुम हमारी लिखी पढ़ो, कहा नमाज मत पढ़ो, कहा हलाल मीट मत खाओ, ये सब बंदिशें लगाई। अब आपको अगर कोई चीज ठीक नहीं लग रही तो आप उसकी बात करेंगे, लेकिन आप पूरे के पूरे कल्चर को ही खत्म कर दे रहे। मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए चीन में, और धीरे धीरे उनकी आबादी खत्म कर देनी, नसबंदी कर देनी। आखिर वन चाइल्ड पॉलिसी या कोई भी ऐसी नीति थी तो वो पूरे देश में थी, सबने माना, और जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए, उस पर कोई जरा सा भी मुझे ऐतराज नहीं। मुझे लगता है कि भारत में भी होना चाहिए, एक दो बच्चों की नीति आनी चाहिए। कुछ तो तरीका निकालना होगा, जिस तरह से संसाधनों पर सब पर दबाव है। लेकिन जो चीन कर रहा है वो अमानवीय है, वो लोगों के हक को पूरी तरह से खत्म कर दे रहा है। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नंबर्स हैं, नागरिक तो वहां होते नहीं, जो नंबर्स हैं उसमें कौन उपयोगी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बढ़ाने में, उसके अलावा किसी को भी सामान्य जीवन जीने की इजाजत नहीं है। जो सर्विलांस है, जो मॉनिटरिंग है, मैं आपको अलग अलग समय पर बताता रहा हूं कि कैसे हुए ZTE और दुनिया की जो अलग अलग कहें कि इस वक्त हर देश में जो चीनी कंपनी जिस पर आरोप लग रहा है सर्विलांस का, मॉनिटरिंग का, वो सब अपने देश में वही सारा काम कर रही है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, फिर वो शिंजियांग प्रांत हो, तिब्बत हो, मंगोलिया हो, उन सब जगहों पर इसी तरह से सर्विलांस मॉनिटरिंग का, निगरानी का काम चल रहा है, और उसके आधार पर लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। सीक्रेट ट्रायल्स होते हैं, सीक्रेट कोर्ट्स चलती हैं, यानी ऐसी अदालतें जिसकी कार्रवाई के बारे में न कोई पता होता है, न कोई खबर छपती है, और जितने लोगों को चीन ने पकड़ा है वो कोई भी कहीं भी कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, और शिंजियांग प्रांत के उइगर मुसलमान तो खूब पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक नया चरम है, ये जिस खतरनाक क्रूर शासन की बात मैं कर रहा हूं उसका चरम है कि अब वो मुस्लिम महिलाओं की नसबंदी करा दे रहे हैं, जिससे कि उनके बच्चे ही नहीं हो। यहां तक चीन चला गया है, इसलिए दुनिया को साथ आना चाहिए और बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि कम से कम ब्रिटेन बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, दुनिया के अलग अलग देश बात कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि भले ही अमेरिका ने स्टैंड लिया है, अमेरिका की वजह से सब हो रहा है, लेकिन सबके मूल में एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत का टफ स्टैंड लेना, भारत का मजबूती से खड़ा होना, ये इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको हर जरूरी खबर मैं बताता रहूंगा, सूचना है, विश्लेषण है, वो सब मैं करूंगा, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब दो ही चीजें, एक तो इन्फॉर्मेशन जिसमें कुछ भी जो जानकारी उसी दे दीजिए, और दूसरा दृष्टिकोण, पत्रकार होने के नाते ये भी बहुत जरूरी है कि सही दृष्टिकोण भी दिया जा सके समाज को। तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मेरे जरिए मेरा जो ये सामाजिक परिवार है उसको मैं सही दृष्टिकोण दे सकूं। कई बार ये भी हो सकता है कि जब मैं बोलूं तो आपको समझ में ना आए, जैसे आज ही एक मैंने वो फेसबुक पर लिखा है कि आज एक मैं उनका नाम नहीं बताता हूं, हालांकि अब सब कुछ पता चल जाता है, कोई नंबर से फोन करेगा, उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, और चूंकि इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी राज में ब्राह्मणों की हत्या हो रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप योगी जी की दलाली कर रहे हैं। हालांकि इस शब्द को लेकर मुझे मतलब जो कहते हैं गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो मैंने फोन कट कर दिया। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, जो वीडियो मेरे पास सुरक्षित रहेगा, लेकिन बस मैं उनको इतना ही कहूंगा कि मूर्खता मत कीजिए, ये मैंने उनको वैसे भी कहा था। अपने आप को सलीके से, भावुक तौर पर कोई भी काम करने से पहले ठीक से सोचिए।
मेरा एक काम ये भी है कि मेरे सामाजिक परिवार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति स्थिर होकर सोचने की क्षमता प्राप्त करे। तो ये काम मैं करता रहूंगा, भले ही आप लोग बीच बीच में मुझे अपशब्द कहते रहे फोन करके, तो वो मैं झेल लूंगा। हाँ, किसी दिन सर से ऊपर पानी जाएगा फिर पुलिस को भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भावुक लोग हैं जो कभी कभी ऐसा कर देते हैं, गलती हो जाती है उनसे। उम्मीद मैं करता हूं कि उनको ये समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों।